अस्सलाम वालेकुम जी। ये जी बनानी है आज हमने, तिली होती है गोजरी के साथ लगी हुई, कई लोग खाते हैं कई नहीं खाते। ये छोटी सी रेसिपी है, मैं बनाने लगा था, चलो मैंने बोला आपके साथ भी शेयर करते हैं। ये देखें, इसको मैंने बॉयल किया है, पहले बॉयल तकरीबन 2 से 3 मिनट बॉयल करके फिर इसको फ्राई किया, वो खून वगैरह नहीं बाहर आता। थोम है 2 चम्मच, लेमन, ये सब्ज़ मिर्च और टमाटर और प्याज 1 अदद। चले आते हैं रेसिपी की तरफ, इंशाल्लाह बता बना बनाते हैं। ये एक प्याली ऑयल डाली है छोटी वाली, और बाद में फ्लेम करते हैं वहाँ, और बाद में ये देखिए माशाल्लाह प्याज, प्याज को हल्का हल्का भून लें, ये बड़ी टेस्टी बनती है, बना के देखना। प्याज हो गए भुन के, ग्रेट नहीं करना। उसके बाद हमने डाल दी ये हमारा तिली है, इसको डाल देना थोड़ा थोड़ा डाल के, इसको 2 मिनट भूनना है इसके अंदर। और अदरक लहसुन कटा हुआ ये डाल देना है, सब्ज़ मिर्च और टमाटर डाल देने, और साथ ही मसाले डाल देने हमने, गरम मसाला है आधी चम्मच, जीरा है आधी चम्मच, नमक हसबे जायका, मिर्ची इसके अंदर हमने डाली है तो उसी हिसाब से थोड़ी सी जड़ा मिर्ची है ये भी। उसके बाद हमारे पास ये मिक्स मसाला है हमारा खुद का तैयार किया हुआ, ये भी आधी चम्मच। ये मुँह को रस कर लेंगे थोड़ा सा, बस पक जाए इसको। उसके बाद ऊपर से करते हैं इसको बंद, 5 मिनट के लिए देख पकाते हैं इसको। ये 5 मिनट पका के अब इसके अंदर हमने डाली दही और हल्का सा पानी लगा देना इसको, हल्का सा पानी डालने से नीचे नहीं लगेगी। इसमें डालना 1, 2, 3, 4, 5 और 6 चम्मच दही के, क्योंकि जो पहले हमने इसको बॉयल किया था ना थोड़ा सा कुकर के अंदर स्टीम देके, ये गल तो गई थी, बस ये तड़का लगाना है हमने इसको, गोली लगाई। अब मज़ीद 3 मिनट के लिए इसको बंद करते हैं, इसको पकने देते हैं, नमक मिर्ची चेक कर लें अपने हिसाब से, 3 मिनट बाद इंशाल्लाह मिलती है। ये 2 से 3 मिनट पकाने के बाद अब इसको नींबू का रस ये डालना है जो निकाला था, और इसके बाद आधा गिलास पानी का डाल दें इसके अंदर, आधा गिलास पानी का डाल देना है और इसको हल्की फ्लेम पे रख देना है आप तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। नमक मिर्ची चेक करना अपने हिसाब से, हल्की फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रखना है इसको, तो इंशाल्लाह फिर ये रेडी हो जाएगी। ये देखो माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो गया, मिल गया टेस्ट, चेक करें इसका माशाल्लाह। ये आम का पाउडर है, हाजमे के लिए बड़ा अच्छा है, इसके ऊपर करें। ये टमाटर का पाउडर, ये देखिए माशाल्लाह ये आपका रेडी है। रेसिपी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी का वेट करें, इंशाल्लाह जल्दी आएगी। अपना ख्याल रखें।